अररिया नगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर टोल प्लाजा के पास से शराब बनाने वाली स्प्रिट से भरे एक ट्रक को जब्त किया। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए एसडीपीओ ने बताया कि एक ट्रक से 8000 लीटर शराब बनाने वाला स्प्रिट बरामद हुआ है। वहीं दूसरे स्प्रिट से भरे ट्रक को नरपतगंज पुलिस ने भी जब्त किया है। कि वेस्ट बंगाल से शराब का दो दो ट्रक जो है कच्ची शराब को लेकर पूर्णिया होते हुए अररिया की तरफ घुसकर आने वाला है। इस सूचना की सत्यापन एवं कार्रवाई हेतु थाना अध्यक्ष टाउन अररिया सुनील कुमार, उसके साथ में सब इंस्पेक्टर जीवेश कुमार नाका के रूप में चेकिंग लगाए हुए थे, तो उसमें चेक करने के क्रम में एक ट्रक को यहाँ पकड़ा गया और उसके साथ उस ट्रक का ओनर जो है मालिक सहदेव यादव, उसकी गिरफ्तारी हुई। उसमें 6600 लीटर के करीब जो है देसी स्प्रिट, जो शराब पाउच के रूप में बना सकते हैं मशीन बैठा के, उसको रॉ मटेरियल है सीधे स्प्रिट, उसको बनाने के शराब के रूप में उपयोग करता। और दूसरा ट्रक भागा जिसको स्टीम के द्वारा एक्सचेंज करते हुए नरपतगंज में जाके पकड़ा गया, जो नरपतगंज थाना में करीब 8000 से ऊपर लीटर की जो है ड्रम में कच्चा स्प्रिट बरामद हुआ है। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।